गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस। और नॉर्मली जब मैं इस समय तक घर आता हूँ तो मेरे मॉम एंड डैड घर में होते हैं, तो मैं उनके साथ में थोड़ी देर बैठता हूँ, थोड़ी गप्पे वगैरह मारते हैं एंड उसके बाद में मैं चेंज वेंज करता हूँ एंड देन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ। बट आज जब मैं घर आया तो आज मेरे मॉम एंड डैड घर में है नहीं, वो एक्चुअली में मेरे मामू की लड़की की शादी है तो वहाँ गए हुए हैं। मैं जस्ट घर आया हूँ, घर बड़ा सुना सुना लग रहा हूँ उनके बगैर। वो होते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, टीवी चल रहा होता है, बात कर रहे होते हैं वो लोग, बट आज वो सीन नहीं है। आई थॉट कि जब वो नहीं है तो मैं अकेला मैं बोर हो रहा था, तो क्यों ना आप लोगों से बात कर लें। तो इसलिए पहले थोड़ा मुंह हाथ धो लेते हैं, फ्रेश अप हो जाते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। वैसे तो मेरा ऑफिस 6 बजे छूट जाता है, लेकिन मुझे ऑफिस से लेकर घर आने तक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो मैं कुछ 7-7:15 बजे ग्राउंड में घर पहुंचता हूँ। यार घर में ना पेरेंट्स के होने से उनकी प्रेजेंस का पता चले ना चले, लेकिन जब वो नहीं होते ना तब उनकी प्रेजेंस का एक्चुअली में पता चलता है। नॉर्मली जब मैं शाम को घर आता हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें सेट दिखती हैं, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे होती है। बट आज जब मैं आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, स्पेशली ये जो मेरा टेबल है और अंदर जो है मेरा जो ऑफिस का जो मैंने सेटअप बना के रखा हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी, जहाँ मैंने रखी थी वैसे ही वैसे पड़ी हुई हैं। अभी वो सारी चीज़ें हमको खुद ही करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो कुछ पहनने को निकाल लेते हैं, बिकॉज फॉर्मल सब बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हो रहा है। ओके गुड, आज हम टिकटॉक स्टाइल में चेंज करते हैं, राइट? ओके, तो ड्रेस तो अभी चेंज हो गया, अभी बारी है कॉफ़ी बनाने की। तो कॉफ़ी बनाने के लिए हमको पहले क्या चाहिए होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं 6 साल अकेला रहा हूँ बाहर, और 6 साल मैं खुद के लिए खाना भी बनाता रहा हूँ और खुद के लिए मैं कॉफ़ी भी बनाता रहा हूँ, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम बनाते हैं। बस यार बहुत आसान है, अभी बस गैस ऑन करना है। जब तक मेरे दूध गर्म होता तब तो मैं एक बनाना खा लेता हूँ, भूख लगी थोड़ी सी। वैसे मैंने देखा फ्रिज में मम्मी खाना बना के ऑलरेडी गए हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम जस्ट कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पीने के बाद में खाना खा लेंगे, राइट? दूध तो मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो गया, बट मेरी कॉफ़ी जम गई है, मेरी कॉफ़ी अंदर तक जम गई हुई है, थोड़ा सा खरोच खरोच के मैंने निकाल दी है, एक कप लाइक तो बनी जाएगी। वैसे फाइनली हमारी कॉफ़ी बन गई है और अभी हम पी के देखते हैं कैसी बनी है। बहुत ही हमें बाकी सब चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन ये कॉफ़ी हमेशा रहेगी। चीयर्स। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, अरे इधर डांस हो रहा है। ओके, रुकावट के लिए खेद है। एक्चुअली मैंने बता रहा है, मेरे मॉम एंड डैड मेरे मामू की लड़की की शादी पे गए हुए हैं, तो जस्ट अभी वहीं से बात कर रहे थे ये लोग, वहाँ पे कुछ डांस वगैरह कर रहे हैं ये। ओके, तो यूजुअली मैं जब भी कोई व्लॉग बनाने के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे क्या बात करूँगा। तो लिटरली आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, सुबह उठने के बाद से लेकर मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट जब से मैंने व्लॉग करना शुरू किया तब से इतनी सारी चीज़ें मुझे मेरे सामने आई हैं। इनफैक्ट फोटोग्राफी को लेकर, वीडियोग्राफी को लेकर, या इन इक्विपमेंट्स को लेके इतनी सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि अगर मैं एक एक भी आपके साथ में शेयर करने बैठूंगा ना, तो आई मीन लाइक पूरा का पूरा एक चैनल बन जाता है उसके ऊपर। तो अभी जब मैं रिसेंटली यहाँ पे साइंस सिटी में गया, जब मैं जलंधर में गया, तो मेरे पास में मेरा नया कैमरा था, मेरा कैनन M50 था, मैंने सिग्मा का इसके ऊपर लेंस लगाया हुआ था। तो ऑल्दो मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई, बट वीडियो क्वालिटी अच्छी आने के बाद में भी आई फेल्ट कि जो मेरा जो फुटेज निकल कर आया वो अभी भी उस प्रोफेशनल लेवल का नहीं था। तो डिफरेंस ये आ रहा था कि जब मैं अपना जो लेंस है मैं अपने कैमरे के ऊपर यूज़ कर रहा था, तो सिंस मेरे सिग्मा लेंस में जो इंटरनल स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है, और मेरा जो कैनन M50 का जो डिजिटल IS है वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ था, बिकॉज अगर मैं उसको ऑन करूँगा तो इसमें और थोड़ा सा क्रॉप फैक्टर आया था। ऑलरेडी ये APS-C सेंसर कैमरा है और जिसमें मेरा 1.6 का जो क्रॉप फैक्टर है वो लगता है, तो मेरा ऑलरेडी मेरा जो 16mm का जो मेरा लेंस है वो मेरा 24mm की तरह ऐड कर रहा है, तो अगर मैं उसमें अपना स्टेबलाइजेशन ऐड कर दूंगा तो वो थोड़ा सा और क्रॉप्ड इन हो जाएगा, और अगर मैं उसको एनहांस करूंगा फिर तो अनयूजेबल इमेज बन जाएगी मेरी।
सो आई थॉट कि मैं वो तो नहीं करूँगा। जब मैंने इसके साथ में फुटेज लिया, जब मैं अपने आपको वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा जो कैमरा है बहुत सारा शेक आ रहा है, मतलब मेरे कैमरे मेरे हैंडहेल्ड मूवमेंट में ना बहुत ज़्यादा शेक्स आ रहे हैं। तो उसमें मुझे वो बात बनी नहीं, अभी तक भी वो जो मैं प्रोफेशनल लुक चाह रहा हूँ ना वो बात बनी नहीं। सी बहुत तरह के व्लॉगर्स होते हैं, कई सारे मैंने व्लॉगर्स देखे हैं जो कि बस सिंपली अपना मॉर्निंग में उठते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं, बस बोलना शुरू करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं, एंड जस्ट उस उन क्लिपिंग्स को ऐड करके डाल देते हैं और वो उनका डेली व्लॉग बन जाता है। बट मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं पर्सनली किया चाहता हूँ कि मैं जो अपना मेरा जो व्लॉग है ना वो एक पूरा स्टोरी की तरह रखूँ, जिसमें कि मैं एक चीज़ शुरू करूँ एंड देन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही अच्छी सिनेमैटिक सी आपको फील आए और उसके बाद में ख़त्म होते होते आप पूरा का पूरा उस व्लॉग में घुस चुके हों। तो कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अभी आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको अपने घर का टूर कराता हूँ, लेट्स गो। गाइज ये तो था शॉर्ट एंड स्वीट सा मेरे घर का टूर। जब से एक्चुअली मैं ये फिल्म मेकिंग करना शुरू हुआ हूँ ना, जब से मैं खुद कैमरे के सामने आ रहा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि कैसे एक नॉर्मल सी डे टू डे जो हमारी लाइफ होती है, जब मैं उसको कैप्चर करता हूँ और जब मैं उसको एडिटिंग में उसमें थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करके जब मैं उसका फाइनल आउटपुट देखता हूँ, जो एक इमेजिनरी सा जो लुक आता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही जल्द मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ 3 तरह के व्लॉगिंग सेटअप्स के साथ में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑस्मो एक्शन टू द फोन एंड टू द कैमरा, ये तीनों को मैं साइड बाई साइड कंपेयर करने वाला हूँ और मैं दिखाने वाला हूँ कि ऑन द गो अगर आप डेली व्लॉग कर रहे हो, आपको हमेशा चाहिए होगा कि आपका जो कैमरा हो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो, आप इजीली उसको कैरी कर रहे हैं और कहीं भी उसको लेके जाएं, और अगर आप बाहर कभी क्राउड में हो या किसी रेस्टोरेंट में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जो कि आपको कभी भी कैमरा अलाउ नहीं करते, तो वहाँ पे भी लेके उसको जा सको और उसके साथ में आप इजीली व्लॉगिंग कर सको। बिकॉज अब वो टाइम आ गया है जबकि मेरे पास में जो मेरा इक्विपमेंट है वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अच्छा कैमरा, अच्छा साउंड सेटअप एंड एक अच्छा सॉफ्टवेयर उसको एडिट करने के लिए, और एक क्लैरिटी कि मेरे को अब नेक्स्ट करना क्या है। एक फ़नी चीज़ बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इनफैक्ट आप मेरे को 100 बंदे को क्राउड के सामने खड़ा कर दो मैं ईजिली बात कर लूँगा, बट आई डोंट नो, जब से मैंने व्लॉग करना शुरू किया है तब से मुझे लग रहा है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस उल्टा डाउन हो गया। मतलब मैं जब भी कैमरा पकड़ के जब मैं क्राउड में जाता हूँ तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, मैं घर में अपने मॉम डैड के सामने कॉन्शियस हो जाता हूँ और उनके सामने मैं व्लॉग नहीं कर पाता। सिंस अभी जैसे मैं जस्ट एक लेंस में देख के बात कर रहा हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड आज, मतलब आज जाके आज ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरे फिटनेस वाले चैनल में शायद मैंने 40 के अराउंड व्लॉग्स डाल दिए, मेरे इस वाले चैनल में मेरे 20 व्लॉग हो गए, और मैंने जो मेरा तीसरा चैनल था उसमें 3 व्लॉग डाले थे, मतलब मोर देन 60 व्लॉग्स डालने के बाद में, व्लॉग बोलो आप उसको, वीडियो बोलो आप उसको, फिल्मिंग बोलो, कुछ भी बोलो, बट 50 से 60 वीडियो डालने के बाद में भी अभी तक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे के सामने वो वाला कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाया हूँ जो कि नॉर्मली होना चाहिए। आज जाके जब मैं सिर्फ लेंस में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये होना नहीं चाहिए और मेरे साथ में तो पर्सनली नहीं होना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा ईजी हूँ, बट बहुत मुश्किल हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं ये वाला जो मैं अभी टेक ले रहा हूँ ये आई थिंक मेरा 5वें से 6ठा टेक होगा, और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो मैं सोच के आता हूँ कि मैं अभी कैमरे के सामने आके ये वाली चीज़ बोलूँगा वो बोली नहीं जाती, पता नहीं। माय मेन रीज़न फॉर स्विचिंग ओवर फ्रॉम आईफोन टू कैमरा वॉज कि मेरे को वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, और मेरे को नहीं चाहिए होता ये जो इस तरह के जो ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं वो मुझे वीडियो में ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो अभी हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, वो वाली बैटरी को चली गई, अभी इसको हम चार्ज पर लगाते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं, उस वीडियो को एडिट मारते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड यू गाइस टेक केयर, एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा था डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज सुरेश साइनिंग ऑफ। गुड बाय।